हाय गाइस, वेलकम टू इंस्टा सॉल्व। हाय सोनू, हाय सुधीर, हाय शिवम, हाय नचिकेत, हाय जसवीर। कैसे हो आप लोग? सब लोग कैसे हो गाइस? आवाज आ रही है मेरी आप सब लोगों को? आवाज क्लियर है क्या एकदम? हाय असीम, वेलकम गाइस। हेलो शिखर, ओके गाइस, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था तुम लोगों को, वी विल बी बैक विथ वन न्यू सब्जेक्ट, वन न्यू टॉपिक। तो हम लोग आज से क्लास में जो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज काइनामेटिक्स। ठीक है, अब काइनामेटिक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि तुम्हारा सबसे पहले आता है वन डायमेंशनल मोशन, सेकंड आता है टू डायमेंशनल मोशन, रिलेटिव मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं टू डायमेंशनल मोशन के अंदर। इस तरह का बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इनमें हम लोग कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसके जहां पे तुम पूरा का पूरा सब कुछ डिराइव करते हो, लाइक वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो भी तुम लोगों ने आज तक पढ़ा हुआ है सिंपल काइनामेटिक्स, उस चीज को हम स्टार्ट करेंगे और बेस से ले जाके एक अच्छे लेवल तक मैं फिनिश कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक हमेशा देखा है कि हर क्लास में अपन एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से, ताकि जो क्लास में नए बच्चे हैं, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से नहीं क्लियर है, उनको एक बार समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं, एंड देन आफ्टर दैट वी गो टू अ वेरी हायर लेवल। ओके, हेलो निगम, वेलकम जुबेर, हाय श्रेयस, हाय अंशु। ओके गाइस, तो कैसा चल रहा है घर पर इस समय सब लोगों का? हैव टू लर्न टू, कैसा चल रहा है घर पे? सही लग रहा है? हाय गुड इवनिंग गुरुजी, ओ वेलकम सोनू। कुछ लोग हैं रेगुलर वाले हैं, सोनू भी रेगुलर वाला है आई थिंक, निगम इज रेगुलर, नचिकेत आप लोग, हाय हाय गाइस। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या बोला मैंने कि हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे आज। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन में सबसे पहले बेसिक एक बात बताओ, क्या क्या चीजें आती हैं? हम लोग सिंपल एकदम बेसिक चीजों की बात करेंगे। तो पूरा का पूरा जो हमारा काइनेमेटिक्स का पार्ट है, दैट वी विल कवर इन 4 लेक्चर्स। ठीक है, तो अब 4 लेक्चर में कंप्लीट करना है तो क्या होगा? पहला लेक्चर हम लोग एकदम सेट करेंगे कि किस तरह से हम लोगों को पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स पढ़ना है। तो 1D मोशन एकदम बहुत सिंप्लीफाइड वे में होता है, लेकिन ट्रिकी भी होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा एंड यू विल नो कि कितने ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें भी बनते हैं। तो हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम डिटरमाइनिंग स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जो कि कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा धीरे धीरे। ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मिस्टर सॉल, गुड इवनिंग मोइज, आई एम न्यू कमर जुबैर खान। ओके, वेरी गुड जुबैर, होप आपको यहाँ अच्छा लगेगा। हाय हाय, चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज देखो, ध्यान दो, या गुड इवनिंग एवरीवन। तो अब ये देखो, हमारा जो टॉपिक है दैट इज 1D मोशन। तो एक, जैसा कि हर क्लास में आप सबसे पहले देखोगे तो एक पिक्चर लगी रहती है मेरे फ्रंट पेज पे ही, जो कि मेनली उस क्लास को रिजेंबल करती है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग वन डायमेंशनल मोशन पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज क्लियर होगी आपको, आपने हमेशा देखा होगा, आप सुबह उठते हो से लेके रात को सोने तक आप कोई ना कोई मोशन करते हो, इट कैन बी 1D, 2D, वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो बहुत सारे मोशंस हम लोग देखते हैं। 1D मोशन की अगर बात करें, तो जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, वन डायमेंशनल मोशन की बात किया, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैं बोलूंगा, दैट इज कम्यूटेटर ट्रेन हो गई। आपकी जो ट्रेन होती है वो क्या होता है, ट्रेन ट्रैक होता है, उसके ऊपर मूव करती है, या तो वो आगे जा सकती है या तो पीछे जा सकती है, बट वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो एक स्ट्रेट लाइन है। ये रेल की पटरियां हैं, इन पर या तो ट्रेन कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी या तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, इधर नहीं जा सकती है, इधर नहीं जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती है। ठीक है, इट मीन्स कि जो यहां पे मोशन हो रहा है, व्हाट इट इज, वन डायमेंशनल मोशन। तो हेलो बाकी सब लोग भी, सर प्लीज टेल मी इन कनाडा, इट्स नॉट पॉसिबल नचिकेत, सॉरी, बिकॉज
हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उसमें 90% वाले लोग 90% हिंदी वाले हैं और बाकी कुछ इंग्लिश वाले हैं, ठीक है? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आई टीच यू इन कनाडा। ओके, हाय हाय एवरीवन। चलो ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम लोग वन डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे। अगेन, जो लोग भी नए हैं, अभी जैसे बहुत सारे लोगों का मैसेज आया कि सर वी आर न्यू एट दिस प्लेटफॉर्म। ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू आवर टेलीग्राम पेज। ओके, और वहां पर आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाके इंस्टा जेई लिखना है। क्या लिखना है आपको? इंस्टा जेई, INSTA JEE, इंस्टा जेई आप वहां पर लिखोगे, यू विल गेट अ नेम फॉर ग्रुप, और उस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? ये सारी की सारी पीपीटीज और ये सब कुछ जो भी होता है, हमारे वीडियो लेक्चर्स, वो पूरे के पूरे आपको वहाँ अपलोडेड मिलेंगे। तो इन केस अगर आपने क्लास मिस भी कर लिया तो आप वहाँ से ये सारी चीजें देख सकते हो। ओके, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट इंस्टा सॉल्व यूजर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू गो एंड ज्वाइन दिस पेज। ओके, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड द सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आवर इंस्टा सॉल्व चैनल, जो कि YouTube पर है, ठीक है? तो इसको भी ट्राई करो। या गुड इवनिंग रोहिणी, ओके, जेसिका, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पबजी प्लेयर। भाई पबजी मत खेल यार, यहाँ पे क्लास कर लो, इट विल बी गुड। ओके सर, यू कैन मेक मी अंडरस्टैंड रोटेशनल मोशन, आई हैड ट्राइड टू। जुबैर, यू कैन डू वन थिंग, मैं ऑलरेडी रोटेशनल मोशन पे क्लासेस ले चुका हूँ, ठीक है? तो आप इंस्टा सॉल्व ऐप में, जहाँ आज आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे जाके आप रोटेशनल मोशन के वीडियो पे मेरे क्लिक करना, वहाँ पे रिप्ले का ऑप्शन होगा और आप पूरा का पूरा वीडियो फिर से देख सकते हो जो मैं ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? सुषमा मौर्य एज अ न्यू स्टूडेंट। ओके सुषमा, डोंट वरी, हम लोग आज वैसे भी एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड कि फ्रेश स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड गो टू आवर इंस्टा सॉल्व चैनल ऑन यूट्यूब एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके वेलकम जाए, टूडेज टॉपिक इज वन डायमेंशनल मोशन इन काइनामेटिक्स। तो ये 11th का टॉपिक है, मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, ठीक है? तो सब लोगों ने पढ़ रखा होगा तो मजा भी आएगा, जल्दी जल्दी लगाने में किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ओके चलो, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्टार्ट अगेन हमेशा की तरह बेसिक से करेंगे एंड देन वी विल गो टू अ हायर लेवल। सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। हाय रोहित, हाय प्रिया, यसीम, डोंट प्ले पबजी मैन। व्हाई आई नीड टू रीड द क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन क्लियर कट दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ओके चलो, सॉल्व हुआ क्या किसी से? इमेज नॉट क्लियर, इट्स नॉट पॉसिबल। पबजी प्लेयर, आपका सारा इंटरनेट पबजी में निकल गया लग रहा है, क्योंकि जो भी स्क्रीन आपको सामने दिख रही है, ये आपको जो सामने दिख रहा है फोन, ये और किसी चीज के लिए नहीं है, ये केवल वही देखने के लिए कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वीडियो चल रही है तो मैं देख पा रहा हूँ कि इमेज इज परफेक्टली क्लियर, ठीक है? बहुत सारे लोगों का ऑप्शन ए है, बहुत सारे लोगों का ऑप्शन बी आ रहा है। ओके बी बी, इट इज 1+। यस इट इज 1+। सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क स्लो है। कोई बात नहीं, नेटवर्क स्लो है तो हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, इट्स नॉट दैट टफ क्वेश्चन। जेरी, इफ यू आर इन क्लास 6, तो ये क्लास 11th का है, सो इट्स बेटर कि देख लो, ठीक है? चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो, इन 1 सेकेंड, मतलब कि क्वेश्चन में जो टाइमिंग दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड दे रखी है। ऑफ अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, ये भाई साहब कहां पर थे? ए पर थे, अब कहां चले गए? बी पे चले गए, ठीक है? मूविंग इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, और ये जो रेडियस दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। द मैग्निट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज, तो अब देखो, ये देखो यहां पे गलतियां होनी शुरू हो गई लोगों से, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये सब चीजें कितनी भी सिंपल कर दो ना, पर गलतियां हम हमेशा करते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
तो अब एक बात बताओ, अगर वो ए से बी तक पहुंचा है तो इसने डिस्टेंस तो कवर किया कितना, वो तुम निकाल लो, 2 पाई आर में पूरा का पूरा होता है तो डिवाइड कर दो, पाई आर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 मीटर, और टाइम कितना दे रख लिया, कितना टाइम लिया इसने, 1 सेकेंड। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। नो मेरा पिन नहीं हो रहा है। ओके, ए। बहुत सारे लोगों का आंसर ए आया है, जितने लोगों का आंसर ए आया था उन लोगों को समझ में आया गया। अरे भाई ये ग्रुप ग्रुप वाली जो भी बातें हैं, ये क्लास एक बार 7 8:30 पे खत्म हो जाएगी, ठीक है? 8:30 पे क्लास खत्म होने के बाद से ये बातें कर लेना, ग्रुप बना लेना अपना, तो तुम्हारे पढ़ाई भी नुकसान नहीं होगी। ऐसा तो है नहीं कि पूरा चार्ट बंद हो जाएगा, तो आराम से तब बना लेना, ठीक है? अभी एक बार आप लोग पढ़ लो यहाँ पे, ठीक है? चलो, यस सर, बी ए, ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइन, चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन। या सुखी, यू आर राइट, वेरी गुड, वेलकम मोहम्मद फरान। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रवि, यू आर ऑल्सो राइट, गुड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। समर्थ, इमेज परफेक्टली क्लियर है, ठीक है? आपका नेट अच्छा नहीं है, मे बी इस वजह से पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। जिन लोगों को भी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है, आपका नेट अच्छा नहीं है, इस वजह से क्लियर नहीं हो रही है। ओके, ऑप्शन ए, अजय सिंह ऑप्शन ए, गुड। शेखर इज ऑल्सो सिंह ए। नचिकेत बी, रवि बी, अथर्व ए, निगम इज सिंह बी, ओके, जेबा इज ए, रोहित बी, शिवम बी, और लोग, रांच ए, सोनू शिवम इज ए, रोहिणी का बी। चलो देखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ बॉडी मूव्स ओवर, अ बॉडी क्या कर रहा है, मूव्स ओवर 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क, 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, ठीक है? चलो अब मान लो मेरा ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता वो कुछ ऐसा होता, ठीक? तो भाई साहब जो मेरे हैं वो पूरा पूरा नहीं गए, वो कितना गए, केवल 1/4 गए। तो मान लो यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया और एंड कहाँ कर दिया, यहाँ पे 1/4 में ही, ठीक? अब ये मेरा सेंटर है, मान लो ये मेरा सेंटर है, तो अब ये 90 डिग्री बन रहा होगा यहाँ पे, ठीक? क्वेश्चन में पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल की बात करता हूं, मान लो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की मैं बात करता हूं, तो एक बात बताओ, अगर ए से ए तक वापस पूरा आया रहता, टोटल पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होता वो कितना होता, 2 पाई आर, ठीक? तो अगर 1/4 जा रहा है तो इस पूरे को, पूरे डिस्टेंस को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 2 से 4 कट गया 2 बार में, मतलब कि जो डिस्टेंस पूरा कवर हुआ दैट इज पाई आर बाई 2, ठीक? अब पूछा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो अब एक बात बताओ, ये कितना था तुम्हारा आर, ये कितना है आर, तो ये क्या निकल के आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आएगा कितना तुम्हारा, R√2। तो क्या आंसर तुम्हारा ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सब लोग बताओ। गुरुजी बी, जसवीर जी बोल रहे हैं कि बी आंसर होगा, सुखी भी बी बोल रही है, आई डोंट नो व्हाई यू आर, यू गाइज आर सेइंग बी। ठीक है, इतना टफ तो नहीं था क्वेश्चन, समझ में आ गया सब लोगों को, सब लोगों का क्लियर हो गया कि नहीं, पहले सब लोग रिप्लाई करो, जितने लोगों का आया नहीं आया सब लोग रिप्लाई करो कि सबको समझ में आ गया, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। अब देखो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, इसमें कहीं कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग गलतियां कर रहे हो। ईशा, गुड इवनिंग, ओके, हम बोले थे सर, बहुत अच्छी बात है आप बोले थे तो, ठीक है, यस सर, यस,
ओके सर क्लियर 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 क्लियर। चलो ठीक है, अब आगे से गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ये छोटी छोटी गलतियां जो तुम लोग कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, ये गलतियां मत करो। इस क्लास का मोटिव ही यही है कि हम लोग बहुत बेसिक सभी, ये सब बेसिक्स क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक क्वेश्चंस में तो एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एकदम बेसिक पे जाना, अगेन आई एम सेइंग एकदम बेसिक पे जाना, क्योंकि अगर बेसिक पे नहीं जाओगे तो आंसर फिर गलत आएगा, ठीक है। मैं कुछ ऑप्शंस लिख ही दे रहा हूँ, इनफैक्ट यहाँ पे तुम्हारे लिए बेटर हो जाएगा, मैं कुछ ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। ए बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। हाय निगम, ए बी सुखी है सेठ बी, बाकी तीन लोगों ने ऊपर ए बोला है, देन अगेन ए टू वी वन बी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, ओके मतलब बी। जेबा यू कैन डायरेक्टली लाइक से कि कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने ऑलरेडी बी ऑप्शन बोल रखा है इसके लिए। ए सर ऑप्शन ए इज टोटली करेक्ट, ओके रोहिणी विल सी ऑप्शन बी। भाई साहब किसी का आंसर यस भी आ गया, बहुत सही है, एस तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं था। हाय ऐसा ऑप्शन ए बी ए, चलो मतलब बहुत सारे लोग ए भी बोल रहे हैं और बहुत सारे लोग बी भी बोल रहे हैं, ठीक है चलो देखते हैं। शिवम इज सेइंग अगेन ए, ओके लेट्स सी, ठीक है देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बॉडी ट्रेवल्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ वेलोसिटी वी वन। चलो ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया मान लो, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है इसको मैं मान लेता हूँ सिंप्लीफिकेशन के लिए, चूंकि दो भाग में डिवाइड करना है इसलिए 2s मान लेता हूँ। चलो अब रिप्लाई मत करो, कोई दिक्कत नहीं, अब रिप्लाई मत करो। इसको मैं पूरा का पूरा क्या मान लिया, 2s मान लिया। इसको बीच से मैंने डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि बोला है कि जो फर्स्ट हाफ होगा उसको वेलोसिटी वी वन से चलेगा, तो फर्स्ट हाफ कितना होगा, एस होगा। यहां से यहां के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये भी एस होगा, ठीक है। और ये गया है किस वेलोसिटी से, वी वन से, और दूसरा वाला किस वेलोसिटी से गया है, वी टू से गया है। कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है भाई। अब एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज वेलोसिटी जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक, अपॉन टोटल टाइम, ठीक। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 2 into s अपॉन, अब टोटल टाइम की बात किया जाए, यहां पे ट्रिकी चीज है थोड़ा सा, अभी भी बहुत सारे लोग ए बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे बात किया जाए तो लेट्स अज्यूम ये पूरे के पूरे आधी दूरी चलने में t1 टाइम लगा और ये आधी दूरी चलने में t2 टाइम लगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, तो ये टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब मैं इसको आगे लिखूंगा तो व्हाट आई कैन राइट इज 2s, सॉरी सम टेक्निकल प्रॉब्लम, 2s अपॉन, अब t1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये देखो t क्या होता है, s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। यहां से s s कैंसल आउट हो गया और आपका आंसर क्या आ गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलो अब देखें जरा कितने लोगों का क्या क्या भाई कहना है। गुड इवनिंग, हेलो सॉरी सर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो भाई पहली बार में क्यों गलत हो गया, अब एक बात बताओ, गुरुजी हिंदी में एक्सप्लेन किया करो। अच्छा सोनू हिंदी में तो ही बोल रहा हूँ यार, सुनो एक बात बताओ, अब इंग्लिश इसमें मैंने क्या बोली, इंग्लिश ऐसा मैंने इसमें क्या बताया, हिंदी में ही तो पूरा का पूरा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओ यू आर राइट सर, आई एम राइट सर, वाई यू टेक 2s, आंसर बी, व्हाट इज v1, v1 इज द वेलोसिटी इन द फर्स्ट हाफ जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, आई एम राइट सॉरी सर ऑप्शन बी होगा, राइट सर सॉरी सर, ओके चलो सब लोगों को क्लियर है।
क्लियर है ना? मैसेज करो फटाक से, सब लोगों को क्लियर है? पहले मैसेज करो सब लोगों को कि समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ूँ। अब अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ूँ, एक बार मैसेज करो सब लोगों को समझ में आ गया। यस सर, क्लियर क्लियर। दो लोग को, तीन चार पांच लोग, भाई बस 5 लोग को। क्लियर क्लियर, वेरी गुड। इतने सारे लोग क्लास में हो, कम से कम 25-30 लोग हो सर। ओके, इमेज इज नॉट क्लियर, तो आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है। हामिद भाई, आप क्या करिए, सिंपली रिफ्रेश करिए या बंद करके एक बार फिर से खोलिए, नेट चल जाएगा आपका। ठीक है, यस सर यस सर। खाइको, हेलो सर खाइको, वाई यू आर लेट मैन? आप तो रेगुलर स्टूडेंट हो, तो टाइम से आ जाना चाहिए था। ठीक है, चलो। चमक गया, अरे बहुत सही यार, चमक गया तब तो मजा ही आ गया। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो, चलो। इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है ये, कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है, गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर एकदम सही आ जाना चाहिए। चलो सॉल्व करो, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। Someone is saying option B is correct. कैसे बी सही हो सकता है यार रोहिणी, एक बार बताओ, बी हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि बी सही होगा? कम से कम ये बोला रहता कि आधी दूरी V1 से गया, आधी दूरी V2 से गया, तो तुमसे एक बार, तो वो भी गलत है, लेकिन तब तुम कम से कम V1 + V2/2 बोलती तो समझ में आता भी। सोनू जी, अब इससे ज्यादा हिंदी मैं नहीं बोल सकता हूं, ठीक है? इफ यू वॉन्ट टू डिस्टर्ब द क्लास, इट्स बेटर यू लीव द क्लास, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अब इससे ज्यादा हिंदी बोलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, और अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो हम ऐसा इंश्योर करेंगे कि आप आगे से इस प्लेटफॉर्म पे आ भी ना पाओ। ये हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, आज जस्ट क्लास के बाद ऐसा किया जा सकता है कि आज के बाद से आप क्लास में आ भी ना पाओ, बिकॉज मैं हिंदी नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीटली हिंदी बोल रहा हूँ। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो विल एलिमिनेट यू फ्रॉम हेयर। ओके, सी 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 बी, बहुत सारे लोगों का बी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सी आ रहा है। सी सी डी सी, किस एक का डी आया अभी तक? ऑप्शन डी, ओके। एफ डी डी एक बंदे का आया अभी तक केवल, डी अजय का भी डी आ गया, अथर्व का भी डी आ गया, अथर्व का भी डी आ गया, वेरी गुड। चलो ठीक है, देखते हैं कि क्या आंसर है, एक्चुअली में आंसर क्या है ये देखते हैं। ठीक है चलो, अब कार क्या है भाई, ये कार कवर कर रहा है कितना, 2/5 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ V1 स्पीड एंड 3/5 डिस्टेंस विथ V2 स्पीड। ठीक है, अब देखो मैं पूरा का पूरा फिर से वैसा ही कुछ बना दे रहा हूं। ठीक है, अब ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो अब यहां से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, एस। ठीक, अब इसका फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज 2/5 s, और ये वाला जो पार्ट है दैट विल बी 3/5 s। ये कितने वेलोसिटी से गया इसमें, V1, और यहां पे किसने वेलोसिटी से गया, V2। ठीक है, अब एक बात बताओ, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, टोटल डिस्टेंस s अपॉन, अब बताओ नीचे क्या रखते हो तुम, टाइम रखते हो, तो टाइम कौन सा वाला टाइम, ये वाला टाइम एक T1 और एक ये वाला टाइम T2। ठीक, तो सिंपली व्हाट यू विल राइट, s अपॉन T1 + T2। ठीक है, अब यहां पे क्या हो गया, s T1 के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो बताओ, टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां पे, 2s अपॉन, अब यहां पे क्या किया, 5v1, 2s 2/5 s था और नीचे वेलोसिटी क्या थी, v1 था। इधर सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, 3s अपॉन v2, और इसको सॉल्व कर लोगे व्हाट यू विल गेट, ऑप्शन डी। समझ में आ गया, समझ में आ जाएगा कि नहीं आ गया, सब लोग रिप्लाई करो, सब लोग
रिप्लाई करो सब लोग। आंसर समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ गुड, सही है सही है। यस सर यस सर यस सर यस सर, क्लियर आ गया। आई वॉज द फर्स्ट टू से डी। यस अजय, यू वेयर द फर्स्ट टू से डी एंड इट वॉज वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं ये, लगातार अच्छे क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं। आई डोंट नो सब लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है तो सर एक बार फिर से समझा दो। ठीक है मैं समझाता हूँ। ओके ओके चलो ठीक है, एक बार जल्दी से मैं समझा देता हूँ फिर से जिन लोगों का नहीं हो पाया। ठीक है अब एक बार बताओ, अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है तो हमें क्या करना होता है? एवरेज स्पीड निकालने के लिए वॉट आई हैव टू डू इज सिंपली डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो भाई टोटल डिस्टेंस तो क्या था हमारा? एस था। ये पूरा का पूरा जो लेंथ था इसको मैंने क्या मान लिया? एस मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस था वो क्या था? एस था। अब डिवाइडेड बाई क्या होगा तुम्हारा? टी वन, और टी टी वन प्लस टी टू। टी वन इस दौरान जो भी टाइम लगा दैट इज टी वन, इस टाइम इस दौरान जो पूरा टाइम लगा टी टू। ठीक है तो अब टी वन क्या तुम लिख सकते हो? जो डिस्टेंस था 2/5s अपॉन वेलोसिटी क्या थी? वी वन। ठीक, सिमिलरली इधर लिख दिया तुमने, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर है? क्लियर क्लियर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो मोहम्मद समझ में आ गया, फरहान वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग। नो यार, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, नो ऑप्शन, ट्राई टू सॉल्व दिस। अच्छा चलो, जरूरी नहीं है ना यार हर चीज में ऑप्शन हो। ठीक है बस सॉल्व भी तो कर सकते हो। चलो ऑप्शन दे ही दे रहा हूं मैं, खुद ऑप्शन दे दे रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है ऑप्शन मैं खुद ही दे देता हूं, नहीं यहां पे तो एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन निकालना। चलो ए के लिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, ठीक है 20 मीटर, बी 32 मीटर, सी 36 मीटर, डी 40 मीटर। ठीक है चलो बताओ, अब बताओ क्या आएगा? सोनू गॉट 36, गुड। 60 प्लस 2, एक्सेलरेशन विल बी 60 प्लस 2, वेरी गुड अजय मौर्य, बहुत अच्छा। एंड 36 बहुत लोगों का आ रहा है, 20 मीटर भी आ रहा है कई लोगों का, कई लोगों का सी आंसर आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। 20 मीटर सी 36, समझ में नहीं आया क्वेश्चन, समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है चलो क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा। ठीक है चलो ठीक है सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या बेसिकली, ठीक है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये बहुत, और बहुत सही क्वेश्चन है क्योंकि तुम लोग कुछ छोटी छोटी चीजें मिस कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है अब देखो, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज, तो वेलोसिटी की इक्वेशन हमको दे रखी है, वेलोसिटी की इक्वेशन जो दे रखी है वो क्या दे रखी है? v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t
प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी की वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहां पर पूछा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ टाइम टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर एट टी इक्वल्स टू 0। तो अगर वेलोसिटी दे रखा है तो मैं सिंपली व्हाट आई कैन से dx, अच्छा अब किसी का b आया, सर आई वॉज फर्स्ट हु से b, ओके चलो ठीक है b देखते हैं, कुछ लोगों का b बोल रहे हैं। dx अपॉन dt इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। तो dx क्या हो जाएगा b, अब बहुत सारे लोगों का b आने लग गया, ओके ठीक है, इंटीग्रल लेंगे 10 प्लस 2t, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, चलो ठीक है मैं इधर लिखता हूं dx इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt। अब एक बात बताओ, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, डिस्प्लेसमेंट कितना है तुम्हारा 20 है, कब, जब टाइम क्या है तुम्हारा 0 है, टाइम क्या है 0। अब बहुत सारे लोगों का भी आने लग गया, सही है पहले गलतियां करते हो, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया तुम्हारा, ये यहां पे को क्या पुट करोगे 20 और यहां क्या पुट करोगे x, टाइम क्या पुट करोगे यहां पे 0 और अब टाइम कहां निकालना है 1 पे। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे व्हाट यू विल गेट इज x इक्वल्स टू 32 मीटर। लोल ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 32 मीटर और बाकी एक्सिलरेशन टाइम इक्वेशन तो निकालने में कुछ होता ही नहीं है। a क्या होता है तुम्हारा, सिंपली dv बाई dt होता है, इसका मतलब क्या आ गया तुम्हारा 6t प्लस 2 आ गया। सॉल्व हो गया ना, सब लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, रिप्लाई करो, सब लोगों को समझ में आ गया, रिप्लाई एवरीवन, रिप्लाई की समझ में आ गया। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व दिस। यस सर, एक बार सोनू, ओके बी इज द करेक्ट, क्लियर, ओके क्लियर क्लियर क्लियर, सबको क्लियर है, मस्त, चलो बहुत सही, सबको क्लियर हो गया तो इट्स गुड। आप लोग सॉल्व कर लो, नया क्वेश्चन दे रखा है मैंने, सॉल्व कर लो।
बी बी बहुत सारे लोगों का बी आंसर आ रहा है। ओके चलो अच्छे से करो, देखते हैं मैच करेंगे फिर लास्ट में किसका आंसर सही है किसका गलत है। हेलो आई एम फ्रॉम कराची पाकिस्तान। ओ ग्रेट मैन, बहुत दूर से यार। वेलकम हाउ एवर एनी हाउ वेलकम टू इंस्टा सॉल्व। बी बी बहुत सारे लोग बी बोल रहे हो, ए भी बहुत सारे लोग बोल रहे हो, आई डोंट नो वाई। चलो बी कॉपी क्वेश्चन, या डोंट वरी निगम, ऑलरेडी एक्शन लिया जा चुका है, शाम तक क्लियर हो जाएगा, मतलब व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ हिम। सर प्लीज एक्सप्लेन इन कन्नडा। नचिकेत इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आई कैन एक्सप्लेन यू इन कन्नडा, इट्स नॉट पॉसिबल मैन। आई एम गेटिंग 6। ओके ओके नॉट क्लियर सर, ने से पहले वाला क्वेश्चन फिर से हमने को कहा सुनू। ओके ये क्वेश्चन, हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट उसी टाइप का है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एंड वी हैव टू कंप्लीट द सेशन इन आवर लिमिटेड टाइम, लाइक टिल 8:30। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर क्वेश्चन को मैं रिपीट करूं, बट ठीक है, इस क्वेश्चन में भी मैं उसी वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बी 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 ओके बी ओके ओके चलो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं बस आपको बता दूंगा, इट्स अ लेंथी क्वेश्चन, तो मैं सिंपली आपको बता दूंगा कि क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। उसके आगे आप लोग सॉल्व कर लेना। देखो, अ मैन वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब मान लो कि जो तुम्हारा ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है वो कितना है, ये चीज है मान लो आपके पास, ठीक है। अब ये मार्केट गया भाई साहब, कितना दूरी तय की है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। ओके बी बी बहुत सारे लोगों का आ गया। तुम लोग डिस्टर्ब मत हो ना, सुनो जसवीर एवरी वन, काइको एवरी वन, वसीम एवरी वन, जो भी जिसको भी प्रॉब्लम हो रही है लीव दैट, ओके आई एम इग्नोरिंग ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज ही कैन नॉट डू एनी थिंग, जस्ट ही कैन डिस्टर्ब द क्लास एंड दैट इज पर्टिकुलरली हिज एम टू डू। ओके सो डोंट वरी गाइज, तुम लोग सिंपली इग्नोर दैट थिंग बिकॉज द एक्शन इज गोइंग टू बी टेकन अगेंस्ट हिम। ओके एंड बहुत खुश होता है, उसको अभी कुछ पता भी नहीं है कि क्या होने वाला है उसको साथ, ठीक है। तो एंड थिंग इज, उसको इग्नोर करो पूरा पूरा, आप लोग क्लास में ध्यान दो, ठीक है। हमें किसी से मतलब नहीं, हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं केवल और केवल सीखने के लिए, ठीक है। हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओके गाइज, ठीक है ठीक है। ओके वेरी गुड, चलो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, ठीक है। एक बंदा क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकता अगर आप इतने सारे लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। एंड इफ ऑल गाइज आर एंजॉइंग इट, इट्स गुड ना, करो आराम से मस्त, ठीक है। चलो अब देखो, 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये भाई साहब कितने स्पीड से जा रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर से। तो ये गए तो इधर कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गए। अब भाई साहब हुआ क्या, मार्केट निकल गया बंद, मार्केट निकल गया बंद। अब क्या किया इन्होंने, ये वापस लौटना शुरू किए, और वापस आके कितने स्पीड से आए, 7.5 किलोमीटर पर आवर से। कितने से आए, 7.5 किलोमीटर पर आवर से वापस आ गए। तो अब पूछा है एवरेज स्पीड, पूछा है ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ 0 to 40 मिनट। अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक क्या है कि इसने बोल दिया है कि 40 मिनट 0 से 40 के बीच में ही करना है, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये पूरे के पूरे में पूछा होता तब तो इजिली हो जाता, लेकिन 40 मिनट, तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि भाई इस आदमी को जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जाने में कितना टाइम लगा, ये तो हम लोग सबसे पहले निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो जब ये जा रहा था आगे की तरफ, तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 2.5 किलोमीटर,
और इनकी स्पीड कितनी थी, 2.5, सॉरी गाइस, या 2.5 किलोमीटर, और स्पीड इसकी कितनी थी, 5 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो इनका जो पूरा टाइम निकल के आया वो कितना निकल के आएगा, 30 मिनट। तो मतलब ये 30 मिनट तो भाई साहब गए ही गए हैं एक तरफ, ठीक। अब रिटर्न होने की अगर मैं बात करूं, तो रिटर्न होने के दौरान अगर मैं ये निकालूंगी टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, तो सिंपली एस इक्वल्स टू यू टी। यू तुम्हारा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 7.5, और टाइम कितना दे रखा है तुम्हारा, सिंपली 10 सेकेंड, 10 मिनट्स हमारे पास बच गया, क्योंकि पहले क्या है 30 मिनट तो तुम गए हो, 10 मिनट वापस केवल आने का तुम्हारे पास टाइम बचा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, क्योंकि हम लोग को सब चीज आवर्स में दिया हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, 10 को 60 से डिवाइड कर दिया। फ्रॉम हियर व्हाट यू गॉट इज 5 बाई 4 किलोमीटर। तो अब क्या रह गया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं रह गया यार। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। टोटल, अब देखो यहां पे गलतियां क्या हो सकती हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज और फर्क पूछ सकता था, वो क्या पूछ सकता था, एवरेज वेलोसिटी। जब एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा रहता, तो यहाँ डिस्टेंस नहीं हम पुट करते, व्हाट यहाँ पुट करते, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पुट करते, लेकिन क्वेश्चन में स्पीड पूछा है, तो ये सब सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए किसी से भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या पुट करेंगे, टोटल टाइम, ठीक है। टाइम तो क्वेश्चन में दिया हुआ, अब टोटल डिस्टेंस क्या हो गया भाई साहब, हम गए कितना थे, 2.5 किलोमीटर, वापस कितना आ गए, 5 बाई 4 किलोमीटर, ठीक। और टोटल टाइम कितना लग गया, 40 मिनट लगा भाई, सब कुछ आवर में कर रहे हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एंड द राइट आंसर हियर इन दिस केस इज डी, आंसर आएगा आपका 45 बाई 8, 45 बाई 8। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आ गया, सब लोग रिप्लाई करो, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलो सब लोग रिप्लाई करो। सब लोगों को समझ में आ गया, रिप्लाई करो भाई। ओके, गुड गुड। फरान को समझ में आ गया, कीर्ति को समझ में आ गया, शिवम को समझ में आ गया, योर फ्रेंड को समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। निगम को समझ में आ गया, बहुत सही। जतिन, जीबा, ईशा, सोनू, वेरी गुड, बहुत सही। जसवीर, सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा यार, बहुत सही। तो ठीक है ना, मतलब मजा आ रहा है क्लास में, ठीक है, इट्स टफ बट नो प्रॉब्लम। हर चीज इजी इजी करेंगे तो फिर मजा थोड़ी आएगा, सिंपल चीजें रट लिया। अब जैसे क्या है, सेमीकंडक्टर में मस्त आराम से तुम लोग किए जा रहे थे, ठीक है, क्या हो रहा था वहां पे पता है, और में क्या होता है, एंड में क्या होता है, सॉल्व हो गया। यहाँ थोड़ा दिमाग लग रहा है, दिमाग लगाओ, जितना दिमाग लगाओगे उतना दिमाग खुलेगा, ठीक है, तो डोंट वरी, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, चलो ये तो जल्दी से कर दो, इट्स नॉट अ बिग क्वेश्चन। हाँ, बट अगेन अगेन आई एम सेइंग, सुनो सुनो, पहले सॉल्व करने से पहले सुनो, अगेन यहाँ पे कुछ ट्रिक हो सकता है, ठीक है। बस मेरा यही एक हिंट ही यही है, ऑप्शन में दे दे रहा हूं, एंड डी इज 4 मीटर पर सेकेंड। चलो चलो, बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलो ट्राई टू सॉल्व दिस। नचिकेत इज सेइंग ऑप्शन बी, ओके। चलो नचिकेत, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो व्हाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर सेइंग टू टीच मी, यू टीच यू इन कन्नड़ा, इट्स नॉट पॉसिबल मैन ना, आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इंग्लिश टर्म्स कंटिन्यूअसली, कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके नचिकेत इज ओके सर, बी 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 बी, ओके नो प्रॉब्लम नचिकेत, नो नीड टू से सॉरी, ओके
it's not possible. It's not actually practically possible that we can teach you in Canada. Okay, sir, I am Smriti. Okay, welcome, Smriti. You are a little bit late for the class, but still okay. Okay, चलो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, करो या ले लो, अभी 1 मिनट और ले लो. ए और बी में अभी भी बहुत सारे लोग फाइट मार रहे हैं ना, कुछ लोगों का ए भी आंसर आ रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं कि आंसर होगा क्या. अब इफ डिस्प्लेसमेंट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम सच दैट एक्स की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, सच दैट एक्स की वैल्यू दे रखी है. अब एक्स क्या दे रखा है, दैट इज गिवन एज 2t - 2, 2t - 2. अब निकालना है क्या मुझे, एवरेज स्पीड निकालना है अप टू 4 सेकेंड. मुझे क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है अप टू 4 सेकेंड. ठीक है, तो जब मुझे, सॉरी वेट अ मिनट. ठीक है, अब मान लो मुझे एवरेज स्पीड निकालना है. ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैंने देखो एकदम बेसिक पे हम लोग जाएंगे, हर बार एकदम बेसिक पे जाएंगे. मैंने क्या बोला था, ठीक है, करेक्ट और रॉन्ग देखते हैं, देखते हैं, लेट्स सी, विल सॉल्व एंड सी की सही है कि नहीं. ठीक, हमेशा बेसिक पे जाओ, ठीक है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. हर बार एकदम बेसिक से सॉल्व करोगे ना, आंसर अपने आप सॉल्व हो जाएगा. अब भाई एक बात बताओ, एवरेज स्पीड पूछी है तो मैं क्या निकालूंगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इस चीज का मैं ये चीज देखूं मैं, ठीक है, इस चीज पे मैं गौर करूं, तो ये भाई साहब जो हैं, फर्स्ट फाइंड आउट एवरेज स्पीड अप टू 4 सेकेंड, तो मैं सिंपली क्या चेक करूंगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, टी सॉरी टी इक्वल्स टू जीरो पे मैं चेक करूंगा एक्स की क्या वैल्यू आई. एक्स की वैल्यू आई क्या, -2. ठीक है, टी इक्वल्स टू मैं मान लो 1 पे चेक करूंगा एक्स की क्या वैल्यू आई. एक्स की क्या वैल्यू आई, 0. सिमिलरली जब मैं टी इक्वल्स टू, सॉरी थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज के वजह से लेफ्ट बॉटम लेफ्ट में मैं लिख नहीं पा रहा हूँ आज, आई डोंट नो वाई इट्स हैपनिंग, बट नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब एक बार बताओ, टी की वैल्यू मैं अगर 4 पुट कर दूं तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी, 6. तो एक बात बताओ, हमारी इनिशियल वैल्यू जो थी वो -2 थी, जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है, 6 है, और जो टोटल डिस्टेंस होता है वो क्या हो गया तुम्हारा, यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां होते हुए चला गया. मोशन किस में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है. तो एक बात बताओ, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये मेरा 0 है, ठीक है, ये मेरा 0 है, ये मेरा -2 है, और ये मेरा क्या है, 6 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, 8 मीटर. ठीक है, तो अब अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो वॉट आई विल से इज, ये सिंपली 8 मीटर अपॉन टाइम कितना लगा, 4. तो आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड. सो द करेक्ट आंसर इज बी. सबको समझ में आ गया क्या. सर इसका पीडीएफ मिलेगा ना, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस क्लियर नहीं दिख रहा, मैंने बहुत ट्राई कर लिया. ओके हिमा, आपका एक्चुअली नेट सही नहीं है, डोंट वरी. मैं जैसा कि बोला, इस पूरे के पूरे पीपीटी का आपको पीडीएफ मिलेगा, लेकिन कहाँ पर मिलेगा, टेलीग्राम वाले पेज पे. ठीक है, तो टेलीग्राम पे जाके आपको इंस्टा जेई टाइप करना है और वहां से उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा सारा का सारा. ठीक है, ओके डिस्टेंस अपॉन टाइम, बी बी बी, मैक्सिमम लोगों का बी आंसर आ गया. अरे सबको क्लियर है कि नहीं, पहले ये बता दो. अरे इट्स नॉट क्लियर, हाउ इज इट पॉसिबल इट्स नॉट क्लियर. अब तो क्लियर हो गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो. सर बी इज टोटली करेक्ट, सही बात है. चलो नो सर, नाइस मेथड, वेरी गुड, थैंक यू, आई वॉज राइट. यस यू वेर राइट शिवम, माई आंसर इज करेक्ट. यस नचिकेत, आपका भी आंसर सही था, जतिन का भी सही था. ओके सर, वो तो ज्वाइन किया है. ओके अगर हिमा आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है ऑलरेडी, तो आपको आज की क्लास के बाद से तुरंत पीपीटी वहां पे अपलोड मिल जाएगी. ठीक है, वेरी इजी, क्लियर. ओके चलो, सब लोगों को समझ में आ गया. ठीक है, चलो क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत सही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तुम लोग. सॉल्व दिस क्वेश्चन.
फोर्टी स्क्वायर नहीं है। किसी का आंसर डी आ गया, किसी का बी भी आ रहा है। ओके लेट्स सी, बी बी डी बी और डी। ओके गुड फाइट। चलो इतना हिंट दे दे रहा हूं, डी को लॉक कर दीजिए। मैं इतना हिंट दे रहा हूं कि आइदर आंसर इज बी आइदर इट्स डी। और अरे यार शिवम सी लेके आ गया, डी है सर 200%। अरे यार 100% से ज्यादा होता ही नहीं है, 200% कहाँ से आ गया डी। ओके चलो देखते हैं क्या है आंसर। वैसे तो डी है सर जी, बहुत मेहनत करके डी लाए हो तुम लोग। अगर मैं बोल दूं डी आंसर नहीं है तो बहुत दुखी हो जाओगे तुम लोग, ऐसा लग रहा है। हाँ राइट, लाया तो किसी शेर ने बी। नहीं रोने की जरूरत नहीं है फरहान। सॉरी सर डी डी। गुड इवनिंग दीपिका, बहुत लेट में आई यार, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। ओके बट डोंट वरी, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड विल गेट द पीपीटी ऑन आवर टेलीग्राम ग्रुप। चलो ठीक है, देखते हैं सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देखो पहले। ठीक है पहले लेट मी सेलेक्ट द इंक। ओके डी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है सर, अब आपको जानकर भी शायद डी ही बोलना पड़ेगा। नहीं ऐसा नहीं है, समवन इज सेइंग बी श्योरली। लो भाई लड़ाई कर लो आपस में तुम लोग, कुछ लोगों को बी लग रहा है, कुछ लोगों को डी लग रहा है। ठीक है तो पक्का कुछ ना कुछ इसी में से है। ठीक है चलो अब रुक जाओ, रिप्लाई करना छोड़ दो एक बार, छोड़ दो क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देख लो एक बार मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन देख लो, उसके बाद बात करते हैं कि किसका क्या आएगा। ठीक है क्योंकि अभी मैं वैसे भी चैट देखूंगा नहीं, तो इट्स बेटर कि डोंट रिप्लाई। ओके चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, एंड मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस सच दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज गिवेन एज 4t³ - 2t। मतलब कि जो वेलोसिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है आपकी, 4t³ - 2t दे रखा है। ठीक है वह टी इज इन सेकेंड, ठीक है, और वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड। वट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल वेन इट इज, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, वेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन में ये चीज बोला हुआ है कि हमें 2 मीटर ओरिजिन से जब दूर रहेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो भाई साहब सबसे पहले तो मेरे को ये देखना पड़ेगा कि जिस वक्त ओरिजिन से हमारे बॉडी की डिस्टेंस कितना होगी, 2 मीटर होगा, उस समय टाइम कितना हो रहा होगा, और उसी टाइम के कोरस्पॉन्डिंग मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा। तो मेरे पास वी की वी दे रखा है, अब इस वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, डीएक्स अपॉन डीटी इक्वल्स टू 4t³ - 2t। ठीक है मैं इसके आगे ही लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डीएक्स अब इंटीग्रल में इक्वल्स टू, इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, 4t³ - 2t इंटू डीटी। ठीक है समझ में आ रहा है। अब देखो एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है। एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 2 तक जा रहा है, और टाइम मेरा कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, 0 से टी। यही तो टाइम टी निकालना है मुझे, कि ये जो टाइम आपका होगा वो कौन सा टाइम होगा जिसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहां से क्या आ गया, एक्स आ गया, इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 2 और 0 पुट करनी है। ठीक है यहां आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 4t⁴ / 4, तो 4 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो सिंपली क्या मैं लिख सकता हूँ, t⁴ - अब यहां क्या लिख सकता हूँ, 2 आएगा -2t²/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पे भी क्या बचेगा, केवल t² बचेगा। ठीक है तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट इज 2 = t⁴ - t²। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसलिए आगे अगर मैं लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट इज t⁴ - t²=2। ठीक यहां से सॉल्व करोगे तो टी की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी √2। ठीक है अब एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ता है, dv/dt कर देते हैं हम लोग, dv/dt कर दिया हम लोगों ने। अब dv/dt करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, दैट विल बी
ट्वेल्व टी स्क्वायर माइनस टू, और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. यार एक सर प्लीज एक बार मेरा नाम पुकार लीजिए. भैया आपका नाम यहाँ लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है इंस्टा सॉल्व यूजर 064689. खुश हो गए? अब खुश हो गए? Okay. समझ में आ गया सब लोगों को कि नहीं समझ में आ गया? थैंक यू राखी, थैंक यू मोहम्मद, यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट, योर एक्सप्लेनेशन. थैंक यू मोहम्मद, आप लोग के जैसे लोगों के वजह से ही अच्छा लगता है पढ़ाने में, और आप लोग अप्रिशिएट करते हो, इट लुक गुड. सर डी वालों का दिल टूट गया, चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, दिल टूटने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए. निगम योर ग्रेट, ओके थैंक यू निगम. ठीक है, मेरा भी सही था शायद. ओके कोई बात नहीं. कैसे टी बाई टू कैसे आया? कहाँ पे टी बाई टू कैसे? अच्छा टी रूट टू कैसे आया? अरे यार सॉल्व कर लो, मैथ्स भी सिखाऊंगा क्या मैं? टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू टू, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो किस चीज में ब्रेक होगा? ये देखो टी स्क्वायर माइनस टू, और ये ब्रेक होगा तुम्हारा टी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. अब देखो ये हो गया ना टी पे पावर फोर, टी स्क्वायर माइनस टू टी स्क्वायर मतलब माइनस टी स्क्वायर, और इधर माइनस टू साइड भेज देंगे टू. समझ में आ गया अजय मौर्य? अजय मौर्य आप क्लियर हो गया टी की वैल्यू रूट टू कैसे आया? यू आर माइंड ब्लोइंग, थैंक यू अगेन निगम. हैप्पी रामनवमी नचिकेत, आपको भी समझ में आ गया सर. ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स सर क्लियर हो गया. आप सबका कमेंट पढ़ते हो? ट्राई करता हूँ यार सबका कमेंट पढ़ने का, बट इट्स नॉट पॉसिबल कि सबका कमेंट मैं पढ़ पाऊँ. ठीक है क्लियर है सबको? क्लियर है क्या? टीचिंग स्टाइल इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू अगेन सर. प्लीज डोंट से थैंक यू, इट्स ओके यार कोई दिक्कत नहीं है. इफ अगर आप, मैं सच में अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इफ यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग इट्स वेरी गुड, तो मुझे भी आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे क्लास में हमेशा होते हैं, ठीक है, जो लाइफ में कुछ आगे अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वो लोग हमेशा क्लास में सही से रहते हैं, अच्छे से चीजें सीखने की कोशिश करते हैं. ठीक है तो दैट इज द गुड थिंग. ओके चलो, अब हमारा क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं एक्चुअली. ठीक है तो आज का हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. ठीक है नाउ ओके वाहिद, इट्स गुड, डोंट वरी, आप क्लास में लगातार आते रहो, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी. ठीक है चलो, एक चीज मैं अभी क्लास खत्म नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी. ठीक है कुछ चीजें मैं बताता हूँ पहले तुम लोगों को. ठीक है ओके ठीक है, अरे सुन लो भाई, कुछ चीजें मैं और बता रहा हूँ तुम लोगों को जो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी. ठीक है और कल के क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है तो अब हमारा जो अगला जो क्लास होने वाला है बेसिकली वो किस चीज पर होने वाला है? आप लोगों ने बहुत सारे इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हुए हैं. ठीक है टिल व्हेन सर क्लास? सर भाई 5 मिनट और. ठीक है ठीक है, अब देखो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़े हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक्चुअली मैं आज थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ. ठीक है क्योंकि कल हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ आते ही इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम लोग क्लास करेंगे. ठीक है तो अब आया कैसे सारे के सारे क्वेश्चंस आए कैसे? ठीक है इक्वेशंस हमारे सॉल्व हम कैसे करेंगे? तो अब एक चीज बताओ, आप क्या पढ़े हुए हो हमेशा से? एक्सेलरेशन जो पढ़ते हो आप क्या पढ़ते हो? वो एक्सेलरेशन इज बेसिकली डीवी बाई डीटी. ठीक तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? डीवी इक्वल्स टू ए इंटू डीटी. अरे ये लिख सकता हूँ ना. अब हमारा जो कंडीशन था वो क्या था कि व्हेन टाइम वाज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि जब मैं टी इक्वल्स टू जीरो पे बात कर रहा था तो मेरी वेलोसिटी क्या थी? यू थी. मतलब कि क्या बोला हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी वाज व्हाट? यू. ठीक है अब जब टाइम मेरा टी हो गया तो मेरी जो वेलोसिटी हो गई वो चेंज होके यू से कितनी चेंज हो गई? ठीक है वो कितनी हो गई? वी. तो अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ. ठीक है देखो डीवी इक्वल्स टू ए डीटी को इंटीग्रेट कर दिया मैंने. ठीक अब ये वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हो रही है? जीरो से लेके वी तक. टाइम कहां से कहां तक चेंज हो रहा है? जीरो से लेके टी तक. ठीक है से शुरू करते हैं. सर क्लास रुकी हुई हूं मैं, सर मैं आपको, चलो ठीक है. हाँ अब ये चीज, अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज वी माइनस यू इक्वल्स टू. ठीक है अब यहां पर आपको क्या मिलेगा? ए टी माइनस जीरो. तो यहां से क्या आ गया? वी माइनस यू इक्वल्स टू एटी. तो वी क्या आ गया आपका निकल के? यू प्लस एटी. समझ में आ गया क्या? इसी को फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं.
अरे जसवीर, आई कैन नॉट गिव यू गाइज माई नंबर, क्योंकि आपको भी पता है कि कितने लोग हो आप लोग। ठीक है, आप जस्ट थिंक अबाउट मी कि अगर मैं अपना नंबर शेयर कर दूँ तो हजारों लोगों के मैसेज आने लग जाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं किसी को सबका रिप्लाई कर पाऊंगा, और मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी। ओके, ये क्या आज? हाँ एकदम, अब्दुल सर की क्लास अगर शेड्यूल है तो डेफिनेटली वो क्लास लेंगे। ठीक है, ओके चलो। अरे समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में, जिस वजह से आज क्लास में 2 मिनट एक्स्ट्रा रुक रहे हैं उस चीज का तो फायदा होना चाहिए ना। अरे आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, दूसरी इक्वेशन के आते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो वी जो होता है हमारा बेसिकली वो क्या होता है, डीएस अपॉन डीटी। ये तो बेसिक डेफिनेशन होता है। यस सर, क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ठीक है, अब वी जो होता है वो मेरा क्या होता है, डीएस बाई डीटी। तो मैं डीएस को क्या लिख सकता हूँ, सिंपली वी इंटू डीटी। इसको इंटीग्रेट कर दूं मैं, मान लो 0 से लेके एस तक, मतलब कि जो मेरा इनिशियल पोजिशन था वो कितना था। ठीक है, मेरी कल की क्लास की टाइमिंग भी यही रहेगा, 7:30। ठीक है, अब वेलोसिटी की मैं बात करूं, अब देखो एक बात बताओ, टाइम मैं 0 से लेकर टी तक मैं इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑलरेडी आप निकाल चुके हो, कितना निकाल चुके हो, यू प्लस ए टी। तो सिंपली यहां से सॉल्व कर लोगे, इसमें बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सॉल्व कर लोगे, तो व्हाट यू विल गेट ऑन द लेफ्ट साइड इज एस इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करोगे व्हाट यू विल गेट, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, पहले ये बताओ, रिप्लाई करो सब लोग, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रिप्लाई गाइस, यस सर, बाकी लोग रिप्लाई करो यार। यस सर, आ गया आ गया आ गया आ गया, सब लोगों को आ गया, मजा आ गया। जानबूझ के बच्चों के लिए पढ़ाता हूँ यार, तुम लोग बच्चे ही हो, 11th 12th वाले बच्चे ही हो एकदम। ठीक है, तो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी कि मैं उस वे में पढ़ाऊँ ताकि तुम लोग को ये लगे कि मुझे अपने जैसा ही बंदा कोई पढ़ा रहा है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ओके चलो, चमक गया, अरे मजा आ गया यार, चमक गया। पता है चमक गया, मैं भी वर्ड यूज करता था पर मुझे लगा तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा चमक गया, इसलिए मैं चमक गया नहीं यूज करता हूँ। ठीक है, ओके चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डोंट हैव नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे, लेकिन लास्ट चीज बची है। अब देखो, ठीक है, अब जब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब होता है क्या, जो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दो, चलो अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ठीक है, 1 मिनट रुको, वाइड बताता हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन जो हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली वो क्या पढ़ते हैं, सिंपली डीवी बाई डीटी पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन क्या इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डीवी बाई डीएस? भाई ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, ये तो गलत है। जब डीवी बाई डीटी होता था तो मैं डीवी बाई डीएस तो लिख नहीं सकता हूँ। भाई ऐसे नाराज मत हो, लिख सकता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, इस डीएस को ऊपर भेज दूंगा और यहां पर मैं डीटी लेते आऊंगा। ठीक है, अब तो लिख सकता हूँ ना, रिप्लाई करो, अब तो लिख सकता हूँ ना, सब लोग रिप्लाई करो, अब तो लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ डी से डीएस से डिवाइड कर रहा हूं तो मैं ऊपर ले जाके डीएस से सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यस, दीपिका को समझ में आ गया, बाकी लोग बताओ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे, हाउ टू डिफाइन, अरे बताया तो था अभी पीछे, एक बार देख लेना फिर से। ठीक है, देख लेना। ठीक है, अब अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूं तो एक बार बताओ, अब मैं ये क्या लिख सकता हूं, दिस विल बी ए इक्वल टू डीवी बाई डीएस। ठीक, और यहां पर आप लोग एक बात बताइए, डीएस बाई डी टी आप लोगों ने कुछ पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, वी पढ़ रखा है ना। ये डीएस बाई डी टी क्या होता है, इनलाइटेंड सर इंस्टेड ऑफ, चमक गया, अरे इतनी अंग्रेजी नहीं आती यार मेरे को। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हो तुम, ए इंटू डीएस इक्वल्स टू वी इंटू डीवी। ठीक, अब यहां पर जो मेरा एक्सेलरेशन है दैट इज कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट इन आवर केस। ठीक है, तो वॉट वी कैन राइट सिंपली हेयर इज, इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब यहां से क्या, एक बार बताओ, इनिशियल वेलोसिटी वॉज यू, फाइनल वेलोसिटी इज वी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इज वी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस। यहां से क्या निकल के आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहां से देखो, यहां से अपॉन 2 इक्वल्स टू ए इंटू एस। तो क्या यहां से निकल के आ गया तुम्हारा, ऊपर की तरफ लिख रहा हूं मैं, ध्यान दो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अरे यार आज कुछ प्रॉब्लम हो रही है वैसे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एस। तो ये शायद आप पढ़ते हो, इस फॉर्म में पढ़ते हो। अरे तीनों इक्वेशन डिराइव हो गई कि नहीं हो गई, पहले ये बताओ, सब लोगों को समझ में आ गया?
अच्छा वाहिद, आपको अलग तरीके से पढ़ाया है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, देख लो, आई थिंक कि आपको भी समझ में आएगा, तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, हाय, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, बाकी सब लोगों को समझ में आएगा, एक बार चलो लास्ट में बता दो, ओके द क्लास इज ओवर नाउ, ठीक है, तो व्हाट आई वांट टू से इज कि विच बुक इज बेस्ट फॉर द नीड्स इन फिजिक्स. देखो, विल टेक अ सेशन बेसिकली ऑन दिस, कि आपको हम बताएंगे कि आपको कौन से बुक्स हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, नहीं है, क्या चीजें हैं, ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोग क्लास अच्छे से देखो सब लोग, ठीक है. हाय सर, हाय सर, क्लियर बाय, ओके प्लीज सर, ठीक है. अभी देखो, अगेन, जो लोग भी अभी तक नहीं किए हुए हो, गो टू आवर पेज, गो टू आवर चैनल ऑन यूट्यूब, एंड वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट राइट एंड स्टॉप सॉल्व, और पेज को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. तो ठीक है, होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. क्यों, रिप्लाई करो, सेशन में मजा आया कि नहीं मजा आया, आज आज की क्लास में मजा आया या नहीं मजा आया. ओके, मजा आया, बहुत मजा आया. सर, फ्लूइड मैकेनिक्स डिस्कस कब होगा? फ्लूइड मैकेनिक्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इंस्टा सॉल्व चैनल पे जाइए, और वहां पे विभोर सर ने फ्लूइड्स की क्लास ऑलरेडी ले रखी है, तो एक बार आप वहां से देख लो. ओके, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, वेरी गुड. चलो गाइज, बाय, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, 7:30. ओके, बाय.